हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रिमेनिंग कंजेनाइटल डिजीज है, जो हेड डिजीज की, ठीक है, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। हेड रिलेटेड जो भी बच्चों में डिसऑर्डर होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे बची हुई। ट्राइकोस्पिड अट्रेजिया, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। कंजेनाइटली अब्सेंस ऑफ ट्राइकोस्पिड वाल सो राइट एट्रियम नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद राइट वेंट्रिकल। मतलब जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल बीच में कम्युनिकेशन का पार्ट होता है ट्राइकोस्पिड वाल, वो क्या होता है ट्राइकोस्पिड अट्रेजिया के अंदर अब्सेंस होता है। कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ अनऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट फोरामेन ऑल की, जो कंप्लीट मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनकी आपस में मिक्सिंग होती है बाय एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के द्वारा और पेटेंट फोरामेन ऑल उसके द्वारा क्या होता है, इन दोनों का मिक्सिंग होता है ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। फिर राइट वेंट्रिकल इज हाइपोप्लास्टिक, राइट वेंट्रिकल वो क्या होता है स्मॉल हो जाता है, हाइपोप्लास्टिक उसकी सेल साइज वो कम हो जाती है, नैरो हो जाता है। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, अब देखो साइनोसिस होगा क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो ब्रीथ डिस्क्रेशन होगा, टेकिकार्डिया हाइड्रेट बढ़ेगी, डिस्नेया ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, क्लबिंग ऑफ फिंगर ऑल्ड फिंगर क्लिपिंग आएगी, कम कभी होगी, एसिडोसिस होगा, ठीक है, एसिडोसिस इसलिए होगा क्योंकि सीओटी का लेवल वगैरह बढ़ेगा, ठीक है, ब्रेस्पाइड हो सकता है, मेटाबॉलिक हो सकता है। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है ट्राइकोस्पिड अट्रेजिया का, अब सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। पेलेटिव सर्जरी, बेला लोग टाउजिंग सेंट क्या होता है एन एनास्टोमोसिस ऑफ सब क्लेविन आर्टरी टू द पल्मोनरी आर्टरी ऑन सेम साइड, मतलब तो सेम साइड पे है वहाँ पे सब क्लेविन और पल्मोनरी आर्टरी को आपस में जोड़ देते हैं। फिर एक गैलेंट सेंट क्या होता है सुपेरियर वेना के में होता है जिसमें सुपेरियर वेना एनास्टोमोसिस विथ राइट पल्मोनरी आर्टरी, सुपेरियर वेना को राइट पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ना कहलाता है गैलेंट सेंट। फिर आता है करेक्टिव सर्जरी क्या होती है, क्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन राइट एट्रियम एंड पल्मोनरी आर्टरी एट 4 to 5 years old, मतलब 4 to 5 years की उम्र में कम्युनिकेशन बनाया जाता है राइट एट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी, इसको बोलते हैं करेक्टिव सर्जरी। फिर आता है दिस रिपेयर इज नाउन एज फेंटन प्रेसिजम, इसको फॉन्टन प्रेसर बोलते हैं, ए प्रोसीजर यू टू रिपेयर कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, ये क्या करता है कंजेनाइटल जो कॉम्प्लेक्स है हार्डली जो ज़्यादा सीवियर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है उनको ट्रीट करने में फॉन्टन प्रोसेस यूज किया जाता है। फिर आता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, अब देखो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी शॉर्ट में बोलते हैं टीजी होता क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज अराइज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ओर्टा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, तो पल्मोनरी आर्टरी वो कहां से निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ओर्टा से फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से निकलती है, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टमिक एंड इसमें क्या होता है पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन अक्कर इफ एसोसिएट अनोमली आर प्रेजेंट, अगर इनमें कम्युनिकेशन जब अक्कर होता है जब इनमें एसोसिएट साथ में कोई अनोमली प्रेजेंट जैसे एट्रियल सेप्टिक डिफेक्ट वेटर पेटेंट डक्टस आर्टोसिस एंड पेटेंट फोरामेन ये हो तब इसमें कम्युनिकेशन हो सकता है। फिर एक कॉमन इन मेल बेबीज विथ हाई बर्थ वेट, जो बच्चे ज़्यादा वेट के पैदा होते हैं 3.5 kilos ज़्यादा है, ठीक है, उनमें क्या होता है कॉमन होता है मेल बेबी होते हैं उनमें होता है। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, साइनोसिस होगा, क्लबिंग ऑफ फिंगर होगा, हाइपोक्सिक स्पेल स्पेस जब क्राइंग करेगा तो ब्लू डिस्कलेशन होगा, तो ये क्या होता है क्लिनिकल फाइंडिंग है। फिर आते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएट और कार्डियोमेगाली, कार्डिक जो सेल्स है कार्डियम लेयर्स है वगैरह उनमें क्या इनलार्जमेंट होगा और वहाँ की जो मेगाली होगी, ठीक है। फिर है मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, एडमिनिस्टर आईवी प्रोस्टाग्लैंडिन टू कीप डक्टस आर्टरीज, प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों देते हैं इंट्रावेनसली जो डक्टस आर्टरीज है उसको ओपन रखने के लिए। फिर है ऑक्सीजन थेरेपी मे बी हार्मफुल बिकॉज इट चांस ऑफ क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरीज, मतलब ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं तो वो क्या हार्मफुल हो सकेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरीज को क्लोज कर देती है बढ़ाती है। पीडीए इज ओनली द सोर्स ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन द ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट, जो पेटेंट डक्टस आर्टरीज है वो एक ओनली सोर्स होता है जो मिक्स करता है ब्लड को इन ग्रेट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। फिर है सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है बलून सेप्टोस्टोमी, मतलब सर्जिकल फॉर्मेशन ऑफ एन ओपनिंग इन ए सेप्टम, मतलब सेप्टम के अंदर एक सर्जिकल फॉर्मेशन एक ओपनिंग बनाई जाती है उसको बोलते हैं बलून सेप्टोस्टोमी। फिर आता है आरटीएल स्विच ऑपरेशन में क्या होता है द पल्मोनरी एंड ओर्टा आर ट्रांसेक्टेड अबोव द रिस्पेक्टिव वाल, जो रिस्पेक्टिव वाल होते हैं वहां पे ट्रांसेक्शन मतलब उनको कट किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा को एंड स्विच बैक टू अप्रोप्रिएट वेंट्रिकल, जो अप्रोप्रिएट वेंट्रिकल जहाँ पे होनी चाहिए उनकी जगह वहाँ पे किया जाता है ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा, ये प्रोसीजर किया जाता है जिसको बोलते हैं आर्टेरियल स्विच ऑपरेशन। फिर एक ग्रुप थर्ड इट इंक्लूड ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज विच डिक्रीज पल्मोनरी ओर्टिक ब्लड फ्लो, ये क्या है ग्रुप थर्ड में कौन आती है ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज जो क्या करती है
पल्मोनरी और ओटिक फ्लो को डिक्रीज करती है, लाइक कॉर्टेक्स एंड ओपोर्टा है, पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड ओटिक स्टेनोसिस या फिर ग्रुप थर्ड में। अब पढ़ते अपन फर्स्ट को आर्टेशन स्ट्रक्चर और ओटा। इसमें क्या होता है, ए लोकलाइज कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन विच रिजल्ट इन नेरोइंग ऑफ द ओटा। स्ट्रक्चर का मतलब होता है नेरो होना कोई स्ट्रक्चर, कि ये लोकलाइज कंजेनाइटल जन्मदात का माल फॉर्मेशन जिसकी जैसे क्या होता है रिजल्ट इन नेरो हो जाता है तो ओटा उसकी साइज कम हो जाती है। नेरोइंग ऑफ ओटा मेनली अकर नियर जंक्शन ऑफ द डक्टस आर्टिसस का जंक्शन होता है जो मेन पॉइंट होता है इसमें, वहां पे क्या होता है ओटा नेरो हो जाता है। सो देयर आर इनकी प्रेशर इन अपर पार्ट ऑफ बॉडी, जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वहां पर क्या होता है प्रेशर बढ़ेगा और लोअर पार्ट में प्रेशर होगा वो कम होगा। अपर पार्ट में तो प्रेशर बढ़ेगा और लोअर में जिससे क्या होगा, बिकॉज ब्रांचेज सप्लाई टू ब्रेन बिफोर ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो ब्रांचेज है सप्लाई टू ब्रेन आर ब्रांच बिफोर ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन पहले जो ब्रांचेज है वो सप्लाई करेगी ब्रेन को, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा प्रेशर ज्यादा होगा अपर बॉडी में और लोअर बॉडी में कम होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एपिस्टाक्सिस हाइपरटेंशन ज्यादा, अब ब्लड जो ब्रेन के थ्रू ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा हाइपरटेंशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा जिसको अपन बोलते हैं नोज ब्लीड को बोलते हैं एपिटाक्स, डिस्निया और रनिंग होगा, ठीक है। डिफिकल्टी होगी, बाउंडिंग पल्स होगी, आर्म्स के अंदर जो पल्स है वो वाइड मिलेगी, वीक और अब्सेंट जो फीमोरल पल्स है वो वीक होगी, अब्सेंट मिल सकती है, कूल जो लोअर एक्सट्रीमिटी कूल हो जाएगी क्योंकि उनको प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, लोअर ब्लड प्रॉपर नहीं जाएगा तो वो क्या होगी कूल हो जाएगी। अब मैनेजमेंट क्या होता है, देखो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, एनास्टोमोसिस ऑफ नॉर्मल पार्ट आफ्टर रिमूविंग नैरो पोर्शन। आपको क्या करना है एनास्टोमोसिस कर देना है, जो नॉर्मल पार्ट है वापस उनको जोड़ देना है, जिससे जहाँ पर नैरो पार्ट था ओटा नैरो है वो पार्ट तो कट कर दो, बाकी को जो नॉर्मल पार्ट है उनको वापस जोड़ दो, ठीक है। फिर आता है ओटिक स्टेनोसिस, एन इंपेयरमेंट ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द ओटा ड्यू टू द नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ओटिक वाल जस्ट अबो और बिलो द वाल, मतलब कि एक इंपेयरमेंट होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, डिफॉर्मिटी होती है ब्लड फ्लो की, मतलब प्रॉपर फ्रिक्वेंट ब्लड फ्लो नहीं होता फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ओटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा में ब्लड फ्लो का इंपेयरमेंट होता है ड्यू टू नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ओर्टिका, जो ओर्टिक वाल है वो नैरो कम होता है ना उसकी साइड, ऑब्स्ट्रक्शन उसमें कोई रुकावट है जस्ट अबो और बिलो द बिलो जो वाल है ओर्टिक वाल उसके ऊपर या बिलो नीचे कोई वाल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है नैरो, जिसका तो क्या हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा की तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो रहा है अब्सेंट हो रहा है या अब अल्टर्ड हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओटिक स्टेनोसिस, की ओटिक वाल है वो नैरो हो जाता है, ठीक है। इट कॉज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, अब ये क्या करेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा एंड पल्मोनरी वेस्कुलर पल्मोनरी वेसल्स को कंजेशन करेगा क्योंकि ब्लड प्रॉपर नहीं तो वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। फिर आता है टाइप वल्वुलर स्टेनोसिस, स्टेनोसिस इन द कप्स सो वाल लुक बाइकस्पिड ओटिक वाल, जो कस्पिड वाल होते हैं बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड, ठीक है। इनमें क्या होता है कि वल्वर स्टेनोसिस हो जाते हैं नेरो हो जाते हैं, कस्प मतलब जो कस्प का मतलब होता है जो वाल होते हैं उनको बोलते हैं कस्पिड ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, मतलब वो क्या हो जाते हैं नेरो हो जाते हैं, ठीक है। फिर है सब वल्वुलर स्टेनोसिस ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू फाइब्रस रिंग बिलो नॉर्मल वाल, मतलब फाइबर रिंग फॉर्मेशन हो जाता है जो बिलो नॉर्मल वाल होते हैं उनसे नीचे वो फाइब्रस रिंग का फाइब्रस टिश्यू है वो फॉर्म होता है जिसकी वजह से सब वल्वुलर स्टेनोसिस होता है। फिर होता है सुप्रा वल्वुलर स्टेनोसिस, तो ऑब्स्ट्रक्शन अबो द नॉर्मल वाल, ऑब्स्ट्रक्शन है वो नॉर्मल वाल के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं सुप्रा वल्वुलर स्टेनोसिस, ऊपर होता है अगर वाल से ऊपर होना तो उसको सुप्रा वल्वुलर, अगर सब वल्वुलर मतलब बिलो नॉर्मल से वाल से बिलो होता है तो उसको बोलते हैं तो सब बोलो और कस्ट में होता है उसको वल्वुलर स्टेनोसिस। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्निया होने, जब आप सांस लेते छोड़ते तो आपको एग्जर्शन होगा, डिस्निया डिफिकल्टी होगी, नैरो पल्स प्रेशर है वो नैरो होगा कम होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, हाइपोटेंशन होगा और टेकिकार्डिया हार्ट रेट ज्यादा होगी। फिर आता है मैनेजमेंट, अब इसका मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं, ओर्टिक ब्लोन वल्वुलोप्लास्टी, मतलब कैथेटर इज प्लेस्ड इनटू नैरो ओटा एंड इन्फ्लेम्ड इनटू सेपरेट द लेन प्लेट, कि जो ओर्टिक ब्लोन वल्वोप्लास्टी क्या होती है कैथेटर है वो प्लेस किया जाता है नैरो ओटा के अंदर, एक कैथेटर प्लेस करेंगे एंड इन्फ्लेम्ड द सेपरेट द लीफ प्लेट, और लीफ प्लेट को क्या सेपरेट करेंगे, ठीक है, उसकी जो ब्रांचेज है उनको सेपरेट करेंगे। नेरो ओटा में कहते थे वो क्या करेगा उसकी साइड को बढ़ाएगा, तो इसको बोलते हैं ओटिक बलूनो वल्वोलोप्लास्टी।
फिर आता है पल्मोनरी स्टेनोसिस. पल्मोनरी स्टेनोसिस इज द नेरोइंग ऑफ पल्मोनरी आर द एंट्रेस. कि पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है, नेरो होना, पल्मोनरी आर्टरी है वो नेरो हो जाती है, इसकी साइज कम हो जाती है, ठीक है, फ्लो होने के लिए. एट द एंट्रेस जहाँ से वो निकलती है, इंटर करती है पल्मोनरी आर्टरी, वहां पे नेरोनेस होना, उसको बोलते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस. इट कॉज हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड डिक्रीज पल्मोनरी फ्लो. अब राइट वेंट्रिकल के हाइपर, उसका इनलार्जमेंट हो गया तो क्या होगा, ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा. फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, माइल्ड साइनोसिस. पल्मोनरी स्टेनोसिस में होता है माइल्ड साइनोसिस होता है, पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस होता है, कि वो एक्सरसाइज को टॉलरेट सहन नहीं कर पाता. एग्जर्शन डिस्पनिया है, जब आप जब ब्लड प्रेशर लगता है पंप करता है तो डिफिकल्टी होती है ड्यू टू इनसफिशियंट ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्लड फ्लो है लंग्स के अंदर वो इनसफिशियंट होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांस रहते हैं. मैनेजमेंट क्या होता है, पल्मोनरी बलून वाल्वोप्लास्टी होती है, जो अपने पिछले वाले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था वही है. नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द पीडियाट्रिक, एंड बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है रूमेटिक हार्ट डिजीज होती क्या है. अब देखो रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या होती है, RSD इज एन इंफ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज. ये क्या है, इंफ्लामेटरी ऑटो इम्यून, जो अपने अपने खुद का इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा होने वाली डिजीज है, विच इन्वॉल्व कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हार्ट के, उनको इन्वॉल्व होता है, जॉइंट है, किडनी है, ब्लड वेसल, ये सारी रूमेटिक हार्ट डिजीज में इन्वॉल्व होती है. एज ग्रुप कॉमनेस्ट एज ग्रुप 5 से 12 साल के बच्चे होते हैं उनमें होता है. पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, देखो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है ड्यू टू अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बाय ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन विच इन्वॉल्व कार्डियक मसल. तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है किसकी वजह से, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस. ये क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज करता है रूमेटिक हार्ट डिजीज को, जो कि कार्डियक इन्फेक्शन कार्डियक मसल में इन्वॉल्व होता है. फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. अब देखो इसमें क्राइटेरिया होते हैं मेजर माइनर वो सारे. अब देखो मेजर क्राइटेरिया के अंदर क्या आता है, फर्स्ट आता है कार्डाइटिस में आता है पेन कार्डाइटिस, मतलब पेरी मायो एंडोकार्डिस सारी लेयर इन्वॉल्व होती है, उसको बोलते हैं पेन कार्डाइटिस या कार्डाइटिस. एस्कोप बॉडीज में क्या होता है, दीज आर नोड्यूल्स फाउंड इन द हार्ट ब्लड वेसल ब्रेन एंड जॉइंट ऑफ इंडिविजुअल विथ रूमेटिक फीवर. एस्कोप बॉडी क्या होती है कि नोड्यूल्स होते हैं जो सेल्स का गुच्छा बन जाते हैं, फाउंड होता है हार्ट में, ब्लड वेसल में, ब्रेन में, जॉइंट ऑफ इंडिविजुअल विथ रूमेटिक फीवर के अंदर, ठीक है. फिर आता है पोली अर्थराइटिस, ए टेम्प्ररी माइग्रेटिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द लार्ज जॉइंट यूजली स्टार्टिंग इन द लेंग्स एंड माइग्रेटिंग अपवर्ड. की जो टेम्प्ररी माइग्रेशन होना इन्फ्लामेशन का लार्ज जॉइंट के अंदर, जो लार्ज जॉइंट उनके अंदर, और जो कि स्टार्ट होते हैं लेग से और ऊपर की तरफ आते जाते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज की तरफ, उसको बोलते हैं पोली अर्थराइटिस. फिर आता है सबकुटेनियस नोड्यूल्स, जो सबकुटेनियस लेयर होती है उसमें होते हैं प्रेजेंट ऑन बोनी प्रोमिनेंस. जो बोनी प्रोमिनेंस होते हैं सबकुटेनियसली, एग्जाम्पल बैक ऑफ रिस्ट है, जो आपकी रिस्ट की बैक है, एल्बो है, फ्रंट ऑफ नी है, उनमें क्या होता है नोडुल फॉर्मेशन हो जाता है. फिर आता है इरिथमा मार्जिनेटम, रेड कलर मार्क ऑन जो ट्रंक आपका धड़ होता है, जो आपकी एक्सट्रीमिटीज होती है उनके अंदर इरिथमा, मतलब रेड रेड कलर का ऐसे फॉर्मेशन सा हो जाता है स्किन पर. फिर आता है सिडेन हार्म कोरिया एसटी विटस डांस, इसमें बोलते हैं एक करेक्टरिस्टिक सीरीज ऑफ रैपिड मूवमेंट विदाउट पर्पज ऑफ फेस एंड आर्म. की एक रैपिड मूवमेंट होता है, कोई पर्पज नहीं होता, फेस और जो आपके आर्म्स होते हैं उनका इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, जिसको बोलते हैं सडन हार्म कोरिया. दिस इज अकर वेरी लेट इन दिस डिजीज, ये क्या होता है बहुत लेट प्रेजेंट होता है और लास्ट फॉर 3 मंथ फ्रॉम ऑनसेट ऑफ, जो इन्फेक्शन के 3 महीने तक रहता है, जब इन्फेक्शन अक्कर होता है उसके 3 मंथ तक रहते हैं, इसको बोलते हैं सडन कोरिया. फिर आता है ग्लूमेरोनेफ्राइटिस पास कोला कलर. ग्लूमेरोनेफ्राइटिस, ग्लूमेरल कैपिलरीज है नेफ्रॉन, उनमें इंफ्लामेशन हो जाता है ग्लूमेरस पार्ट में अंदर, उसमें क्या होता है पास कोला कलर यूरिन है वो पास आउट होता है, तो कोका कोला होता है वैसा कलर का यूरिन पास आउट होता है. फिर आता है माइनर क्राइटेरिया, पहले था मेजर क्राइटेरिया, अब देखो माइनर क्राइटेरिया क्या था. इसमें आता है फीवर 101 से 103 डिग्री फॉरेनहाइट, मतलब विथ इंक्रीज वो आफ्टरनून में क्या होती है बढ़ती है, इतना टेम्परेचर रहता है. अर्थराइलजिया, मतलब जो जॉइंट होता है उनमें पेन होना. पीरियस रूमेटिक हेड डिजीज है कोई, वो कॉज करती है. नेक्स्ट है इनकी WBC काउंट, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस. अब माइनर ग्रेडी में प्रीवियस एलर्जी होना, इंक्रीज WBC ल्यूकोसाइटोसिस होना, इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP बोलते हैं वो बढ़ता है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर है वो बढ़ता है. ये एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर है वो क्या होता है, टेस्ट होता है जो
यूज आता है आप जो रूमेटिक फीवर को असेस करने में, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल इसी से करते हैं, तो पीआर इंटरवल है जो आर्टरी रिपोलाइजेशन और डिपोलाइजेशन इंटरवल है वो बढ़ा हुआ मिलता है। फिर आता है डायग्नोसिस, जोन्स क्राइटेरिया मानते हैं, जोन्स स्टडी जोन्स यूएस फिजिशियन क्राइटेरिया यूज फॉर डायग्नोसिस एक्यूट रूमेटिक फीयर। जोन्स क्राइटेरिया वो एक्यूट रूमेटिक फीयर होती है उसको असेस करने के लिए यूज में लेते हैं। इट फर्स्ट पब्लिश इन 1944 बाय WHO, जो कि फर्स्टली पब्लिश किया गया था 1944 में WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर आता है टू मेजर मैनिफेस्टेशन और वन मेजर टू माइनर क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर। दो मेजर मैनिफेस्टेशन होने चाहिए, वन मेजर और टू माइनर क्राइटेरिया वो रिक्वायर होते हैं, एसेंशियल होते हैं डायग्नोसिस के लिए एक्यूट रूमेटिक फीवर के लिए। फिर आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में अपन क्या देखते हैं, एडमिनिस्टर सेलिसिलेट एसिटामिनोफेन NSAIDs टू लोअर फीवर रिड्यूसेज इन्फ्लामेशन एंड एलिवेट पेन। कि आपको क्या करना है, सेलिसिलेट पेशेंट को देनी है एसिटामिनोफेन NSAIDs जो क्या करेगी, लोअर करेगी और फीवर करेगी, फीवर को लो कम करेगी, जो इन्फ्लामेशन है और पेन है एलिवेट पेन है उसको रिलीव करेगी। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट रीअक्रेंस ऑफ रूमेटिक, जो रूमेटिक फीवर है उसके वापस होने से बचाने के लिए आपको पेशेंट को वो है लार्डेड जो पेशेंट अफेक्टेड है डिजीज पहले, तो बेंजिल पेनिसिलिन गिवन इंट्रामसल एवरी 3 to 4 weeks। तो आपको बेंजिल पेनिसिलिन है वो एवरी वीक 3 to 4 weeks से बेंजिल पेनिसिलिन इंट्रामस IM देनी, जिससे क्या हो सके वापस रिकरेंट फीवर ना हो। तो ये थे आपके जो रिलेटेड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिफेक्ट और डिसऑर्डर जो आज अपन ने डिस्कस किए हैं। कि जो रूमेटिक फीवर है उसमें क्या करना है अपन को, कि उसको बचाने के लिए जो ऑलरेडी अफेक्टेड है उसको क्या करना है, आपको पेनिसिलिन देनी है बेंजी पेनिसिलिन एवरी 3 to 4 weeks से, जिससे क्या होगा उसको वो डिजीज वापस अक्रेंस नहीं होगी। और इसका मेन जो आप इन्फेक्शन से प्रिवेंट जो है, जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस है बीटा एमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, उससे प्रिवेंट करने के लिए आप ड्रग्स वगैरह एनएसएडीज एसिटामिनोफेन सेलिसिलेट ले सकते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगी और पेशेंट को इजिली क्योर होने में हेल्प करेगी। तो अपन ने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, मस्कुलोस्केलेटल पढ़ लिया, कंजेनाइटल डिपार्टमेंट GI के रिलेटेड पढ़ ली, इसमें मेन मेन जो डिजीज सारे जो एग्जाम में पूछी जाती है। आज के लिए कंप्लीट है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। और जो टेट्रोलॉजी फेलेट है, कार्डिक रिलेटेड डिजीज है वो एग्जाम में पूछ जाते हैं, टेट्रोलॉजी फेलेट पूछ लिया, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको क्लिनिक फील्ड से भी इम्पोर्टेंट है, रूमेटिक फीवर है वगैरह, तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और ये जो रूमेटिक फीवर है इसमें जोन्स क्राइटेरिया है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि जोन्स क्राइटेरिया से कौन सी डिजीज को परिभाषित किया जाता है, तो आपको एग्जाम में लिखना है। आप वैसे भी देख सकते हैं कि जोन्स क्राइटेरिया कैसे असेस करते हैं, तो टू मेजर मैनिफेस्टेशन लेना है, दो मेजर वन मेजर और टू माइनर क्राइटेरिया आपको लेना है, जो आपके जो रूमेटिक फीवर का वो असेस कर सकते हैं। जोन्स हो गया, ठीक है, और इसमें एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर टेस्ट है वो यूज में लिया जाता है ज़्यादा।